कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। उन्होंने अन्य नेताओं से भी ऐसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हालांकि बीजेपी राहुल के इस बयान पर भड़क गई और बालक बुद्धि वाला तंज कसते हुए कहा कि स्मृति ने ही कांग्रेस नेता को अमेठी छोड़ने पर मजबूर किया था। दरअसल स्मृति ईरानी ने हाल में ही दिल्ली में स्थित अपनी सरकारी आवास खाली किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके खिलाफ तंज कसने वाले कमेंट और पोस्ट किए। स्मृति ईरानी हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार गई, जिसके बाद उन्होंने अपना आधिकारिक आवास खाली किया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने पराजित किया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी स्मृति ईरानी पर जमकर तंज कसा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का उपयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। उन्होंने कहा, लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। वहीं बीजेपी के आईजी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर कांग्रेस नेताओं को भेड़ियों के झुंड की तरह उकसाने के बाद कपटपूर्ण संदेह देने का आरोप लगाया।